हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 4 व 5 के विषय हिंदी का गृह कार्य, जो कि दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में हमें दिया गया है कार्य पत्रक 11, जिसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दक्षता में दे रखा है समानार्थी शब्दों को पहचानना और लिखना। यहाँ हम इस वर्कशीट में सीखेंगे समानार्थी जो शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द, उन्हें पहचानना और उन्हें लिखना। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। तो यहाँ हमें समान अर्थ अर्थात पर्यायवाची होते हैं, जो कि उसी अर्थ को शो करते हैं, जैसा कि एक वर्ड दिया हुआ है, जैसे पक्षी। तो पक्षी का सेम अर्थ वाला शब्द होता है खग। खग को भी पक्षी ही कहते हैं, खग इसका पर्यायवाची है। तो इसी तरह से हमें आगे भी सॉल्यूशन करने हैं, जैसे बिजली, तो बिजली का हो जाएगा दामिनी। ठीक है, पानी, पानी का हो जाएगा जल। हवा, हवा का हो जाएगा पवन। चंद्रमा, चंद्रमा का हो जाएगा चांद। मित्र, मित्र का हो जाएगा दोस्त। और बेटी, बेटी का हो जाएगा पुत्री। इसी तरह से हम आगे करेंगे। कान का होता है कर्ण। खुश का होगा प्रसन्न। मनुष्य, मानव। पर्वत, पहाड़। बादल, गगन। आकाश, बादल, मेघ, सॉरी गगन, मेघ, आकाश, गगन। चतुर, चालाक। तो ये थे समान अर्थ वाले शब्द अर्थात पर्यायवाची एक दूसरे शब्द के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। अब हमें यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके समान अर्थ वाले गोले पर शब्द पर हमें क्या करना है, गोला लगाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें बता रखा है आकाश। अब यहाँ चार ऑप्शन है, तारे, गगन, चांद, बादल। यहाँ गोला लगा रखा है गगन पर, जो कि आकाश का समान अर्थ वाला शब्द है। इसी तरह से हमें आगे भी करते हुए जाना है। तो सेकंड है स्वतंत्र, जिसका समान अर्थ वाला शब्द है आजाद। पुष्प यानी फूल। दुनिया यानी जग। वृक्ष, पेड़। सूचना, खबर। आग, अनल। प्रसन्न, तो प्रसन्न का हो जाएगा खुश। दरवाजा, दरवाजे का हो जाएगा समान अर्थ अर्थात पर्यायवाची शब्द किवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, जो कि है दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ हमें वाक्य दे रखे हैं जिन्हें हमें दिए गए शब्दों से पूर्ण करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बता रखा है राघव अपनी, यहाँ ब्लैंक है कि साथ विदेश गया है। स्त्री और पत्नी दिया गया है, जहाँ पर लिखा गया है पत्नी। राघव अपनी पत्नी के साथ विदेश गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें आगे करना है। खे है गीता ने समय पर न पहुँच पाने के लिए ब्लैंक प्रकट किया। अब क्या प्रकट किया, शोक नहीं, खेद प्रकट किया। ठीक है, तो यहाँ होगा खेद। गए है, इधर खेद लिख देना है आपको। क्या है समय पर स्कूल आना सभी के लिए, अब क्या है, आवश्यक है या अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। ठीक है, समय पर स्कूल आना सभी के लिए अनिवार्य है, ये सूचना है। ठीक है, गह है हम आपसी रिक्त स्थान से ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, सहायता या सहयोग। तो हम आपसी सहयोग से ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, आपसी के साथ में क्या होगा, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हम सफलता की ओर प्रयासरत रहेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब यहां समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, जैसे सूर्य का हो गया सूरज, मनुष्य का हो गया मानव, फूल का हो गया पुष्प, चांद का हो गया चंद्रमा, वृक्ष का हो गया पेड़, पुत्री का हो गया बेटी या बेटी लिख दीजिए आप। ठीक है, बाघ का हो गया, तो बाघ का हो जाएगा व्याघ्र। आँख का हो जाएगा नेत्र। जल का हो जाएगा पानी, नीर भी बोल सकते हैं।
नीर, पुत्र का हो जाएगा बेटा, आँख का हो जाएगा अनल, माता का हो जाएगा जननी और पहाड़ का हो जाएगा पर्वत। ठीक है, इस तरह से हमने इस पूरी वर्कशीट में देखे पर्यायवाची शब्द जिन्हें समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, उन्हें किस तरह से लिखा जाता है, उन्हें किस तरह से पहचाना जाता है, ये हमने इस वर्कशीट में सीखा है। ठीक है, तो ये था आपका आज का गृह कार्य। आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ और भी वर्कशीट्स के वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।